नमस्कार साथियों आम, आप सब जानते हैं कि पिछले दस वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सारे इकॉनमी के सेक्टर्स में इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े बदलाव आए और अच्छी ग्रोथ हुई है और एक अच्छा समावेशी विकास हुआ है एक ऐसा विकास हुआ है जिसमें सबके लिए नई अपर्चुनिटीज़ बनी है और इस नई अपॉर्चुनिटी बनाने में स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऑपरचुनिटीज़ हो अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की अपरचुनिटीज़ हो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अपरचुनिटीज़ हो उस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में आते ही पहले ही सौ दिनों के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें कुल मिला के करीब 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के सेंक्शंस अप्रूवल्स कैबिनेट के द्वारा किए गए इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में 4 जून के बाद में आज हम 24 अक्टूबर में हैं इतने से शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में सारे सेक्टर कवर हुए एयरपोर्ट हो पोर्ट हो हाईवे हो रेलवे हो मेट्रो हो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो हाउसिंग हो इन सब सेक्टर्स पे बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो कि आगामी कई वर्षों तक हमारे देश के सर्विस में लगेंगे बहुत काम उससे आगे बढ़ेगा जैसे वाडवन पोर्ट है डहाणु के पास में महाराष्ट्र में इसको वदावन मत बोलिएगा ना वाढ़वन है इसका करेक्ट नेम महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ ना <laughs> तो मुझे करेक्ट प्रोनाशिएशन इसका मिला वहां वाडवन पोर्ट तो वाडवन पोर्ट है जैसे फिर हमारे जो बारह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बन रही है ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि कई कई वर्षों तक देश को लाभ होता रहेगा तो इसी कड़ी में आज दो बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नया नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है जिसमें अर्बन किया जा रहा है जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 सेवन किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से बनेगी कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा विल बी अंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर क्रिश्नाट अ लॉन्ग ब्रिज इट विल बी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर लेंथ एंड इट विल बी वन ऑफ द मेजर ब्रिजेस ऑफ इंडियन रेलवे दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद चेन्नई कोलकाता नागपुर And via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. Uh, if you recall the old days um, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat ke capital, Naya that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the वे आ कंट्री वॉज फंक्शनिंग इन दीरियड बिफोर टू थाउजेंड फोर्टीन नाउ थिंग्स चेंजड एज दिटी इज गेटिंग डेवलप्ड साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया यानि शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बंद किया जाएगा कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसिज हैं वो भी कनेक्ट होंगे इससे अमरलिंगेश्वर है स्वामी टेम्पल हैं अमरावती स्तूपा है ध्यान ध्यानबुद्धा स्टैचू है ओंडावली केव्स हैं और जो कई पोर्ट्स हैं मछलीपट्टनम पोर्ट कृष्णापट्टनम पोर्ट काकीनाडा पोर्ट वाइजैक पोर्ट इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी बड़ा प्रोजेक्ट है इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट इट विल आल्सो सेव सिक्स करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट्स वेरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड दैट मीन्स इट इज लाइक इक्वलेंट ऑफ प्लांटिंग ट्वेंटी लाख ट्रीज इतना इसका इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है दिस वाज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन द कैबिनेट टुडे, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम्स ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश द लोकेशन ऑफ द लाइन इज लाइक दिस इफ़ यू लुक एट द रिवर कृष्णा टेक रिवर कृष्णा एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर एक्सप्लेनिंग This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Uh, across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So, that way, environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. Um, the line will be basically connecting Irupalam to Namburu. And the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Makkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amaravati, Tadikona, and Kopavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala, this uh, just beyond the river, right, north of river. And uh, I want you to understand how this will connect to all the five big cities. Uh, there you see Vijayawada. Vijayawada ke pass Amravati hai, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity, towards uh, Hyderabad and Mumbai beyond connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur and then it goes to Delhi. So in a sense, all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and uh, bridge which is about three point two kilometer long. दिस न्यू ब्रिज विल भी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा सो दिस इज द प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर ग्रोथ ऑफ आंध्रा एंड नाउ आई वेल कम टू द सेकेंड प्रोजेक्ट विच वॉर सेंशन आज मिथिलांचल में बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है ये प्रोजेक्ट है दो किलोमीटर 256, 256 किलोमीटर नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर आने वाला समय छठ का समय है तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से लंबे समय से जो उत्तर बिहार के आ, हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है इस प्रोजेक्ट में आ, करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेज हैं 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये और कागज आपको देता हूँ एग्जैक्ट नंबर्स और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल नॉर्थ बिहार मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिव मिलेगी कनेक्टिविटी मिलेगी साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा आपको हाजीपुर पटना ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर इस कॉरिडोर के पैरल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का जो कि सिलीगुड़ी अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो ये यहाँ पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है ठाकुरगंज लिखा हुआ है ठाकुरगंज से अररिया कोट अररिया कट फोरबेसगंज वहां से हमारा सरायगढ़ राघोपुर आते हुए दरभंगा ये सारा कॉरिडोर और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है और ये कॉरिडोर पूरे पूरे के पूरे उत्तर बिहार मिथिलांचल नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के कई जिले इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम में बोलता हूं आपके लिए पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये सब जिले इससे कवर होते हैं ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को यह प्रोजेक्ट जोड़ता है अयोध्या जी को जोड़ेगा माँ जानकी के जन्म स्थान से राइट right? और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को यह रेलवे लाइन जोड़ती है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है चार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इट्स अ फोर थाउजेंड फोर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री करोड़ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स किलोमीटर ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान एंड वन सिक्सटी टू करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड वन सिक्सटी टू करोड़ किलोग्राम विच इज अगर आप उसको इक्वलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्वलेंट ऑफ प्लांटिंग सिक्स एंड हाफ करोड़ सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा पूरे नॉर्दर्न बिहार मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स सीमेंट कंटेनर्स इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वाइजैग से लेके पैरादीप हल्दिया कोलकाता पोर्ट धामरा पोर्ट गोपालपुर पोर्ट इन सब यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल के ट्रेड इकोनॉमी इंडस्ट्री इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा आपको ध्यान होगा पिछले दो तीन कैबिनेट पहले एक कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे उड़ीसा झारखंड बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को रेलवे लाइन्स के लिंक्स को जोड़ो तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन के, साथियों मैं आज के तीसरे बड़े फैसले पे आता हूं आप सब जानते हैं कि दस वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो इनोवेशन इकॉनमी है स्टार्टअप इकॉनमी है उसको एक अलग नया आयाम दिया एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया एक टोटली नए डायरेक्शन पे लेके गए जहां 10 साल पहले 300-400 स्टार्टअप होते थे आज एक लाख बीस हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स है हमारे पास जहाँ यूनिकॉर्न भारत में कुछ गिनती के थे वहाँ आज सौ से ज्यादा यूनिकॉर्न है और ये बड़े एक समृद्ध कॉन्टिनेंट के समृद्ध राष्ट्रों से भी ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में है आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कई जो रिच कंट्रीज अगर हम यूरोप की देखें उन रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न हैं उनसे ज्यादा आज भारत में यूनिकॉन्स है ये दस वर्षों का स्टार्टअप इको को डेवलप करने का एक बड़ा अचीवमेंट है और स्पेस जैसे सेक्टर में जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था स्टार्टअप्स के लिए खोला था तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एक हजार करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए द यूनियन कैबिनेट हैज टुडे अप्रूव्ड सेटिंग अप अ वेंचर कैपिटल फंड विद अ कॉर्पस ऑफ वन थाउजेंड करोड़ रुपीज फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर i am repeating it the union cabinet has today approved the setting up of a venture capital fund with a corpus of 1000 crore rupees for promoting startups in the space sector and this reflects our honorable prime minister shri narendra modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneur, entrepreneurs, and more and more opportunities for innovative startups. This fund will basically be structured like an alternate investment fund, AIF, of category 1 and category 2. And all the regulations which apply to an AIF, the SEBI regulations, they will all be applicable to this fund. It will be operated by a professional fund manager, and professional fund managers like the State Bank of India, like SIDB, they will be roped in for managing this fund. And the focus will be on startups which have given a new concept, have developed a basic proof of concept, and now they can be taken forward from the proof of concept to the commercialization stage. हम सब जानते हैं कि जो स्टार्टअप की अर्ली लाइफ होती है किसी किसी भी स्टार्टअप की जो अर्ली लाइफ होती है वो सबसे क्रिटिकल होती है अर्ली लाइफ में अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुने बढ़ जाती है एंड एज यू हैव सीन इन द लास्ट टेन इयर्स मैनी इनक्यूबेटर्स हैव बिन सेटअप इन अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में आईआईटीज में एनआईटीज में एनआईटीज के बाहर कई नए इनक्यूबेटर्स सेट किए गए इन In इंक्यूबेटर्स का काम यही है कि अगर किसी के पास नया कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को डेवलप करें उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है उस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे लेके जाना है वो सब चीजें इनक्यूबेटर्स में होती है और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा अगर आप में से कोई आई मद्रास के इंक्यूबेटर में जाना चाहें तो वी विल इनवाइट यू टू विजिट इट एक टोटली नया आपको भारत का भविष्य का एक स्वरूप आपको वहां दिखाई देगा उसी भावना के साथ आज ये वेंचर कैपिटल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है और इसमें करीब तीस से पैंतीस स्पेस स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 इयर्स गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही किसी स्टार्टअप में गवर्नमेंट की तरफ से एंकर फंड आता है तो बहुत सारे प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये सारी इसमें थॉट प्रोसेस है ये बहुत एक बड़ा फैसला है और अगर हम देखें इस फैसले से हम दुनिया के कई जो बड़े देश हैं समृद्ध देश हैं यूएस देखें हम यूके देखें फ्रांस जर्मनी देखें इन देशों ने जो अपने स्पेस इकोसिस्टम के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार किए अब हम उनके समकक्ष खड़े हो जाते हैं हमारे देश से भी जो नौजवानों का यंग ऑन्ट्रप्रनोर्स का यंग साइंटिस्ट का जो इनोवेटिव माइंड है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने का इस फंड के जरिए से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मैं आ, दो तीन डेटा पॉइंट्स आपके जानकारी के लिए रखना चाहूंगा इसमें पीपीटी में नहीं है अगर आप नोट करें तो आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब सेवेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीस की है सेवेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीस की है और 2033 तक 2033 तक इन सब इनोवेशंस के कारण इन सब पॉलिसी सपोर्ट्स के कारण यह इकॉनॉमी साढ़े तीन लाख करोड़ की होगी साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की इतना मैसिव इसमें ग्रोथ है और ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स इसमें स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स आप 10 साल पहले याद करो स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप राइट अभी सोचा था इतना बड़ा चेंज आया है भारत में